हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग। तो डीएफसी सेल एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में आपका सबका स्वागत है। तो आज अपना है पार्ट 8 न्यूमेरिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो परसेंटेज को ही हम कंटिन्यू करेंगे। फ्राइडे को परसेंटेज को स्टॉप किया था, बेसिक देखा था जस्ट, एंड आई होप जो आपको कल टास्क दिया है वो आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो उससे पहले, जैसे कि हम देखते हैं हमेशा अपना जो मॉर्निंग थॉट है, तो अब्दुल कलाम जी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो जो विनर है, ओके, और हम अगर इस पर्सपेक्टिव में बोले कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सक्सेसफुल होने वाले हैं वो कौन होने वाले हैं, वो नहीं होने वाले जो फेल होने के बाद क्विट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने आज का प्लान किया 8 आवर्स आपको पढ़ना है, लेकिन कुछ काम आ गया या कुछ भी हो सकता है, ओके, और आपका 8 आवर्स पढ़ाई नहीं हुआ। तो इधर अभी दो लोग होंगे, एक तो नेक्स्ट डे जो है पढ़ाई नहीं करेंगे, ओके, बोलेंगे नहीं होता अपने से। दूसरे लोग होंगे, नहीं मैं ट्राई करूंगा, आज मैं करूंगा, एक्स्ट्रा करूंगा, कल मेरा नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा करूंगा, ठीक है। तो नेवर क्विटिंग एटीट्यूड जो है वो आप में चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या कोई भी हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, थोड़ा आज अभी जाएंगे डिटेल में, ठीक है। परसेंटेज पे हम अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ज़बरदस्त चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। इसका इम्पैक्ट सब जगह है, इसलिए इस पर हम प्रॉपर टाइम स्पेंड करेंगे, और जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसको बना के रखो, ठीक है, वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ओके। सपोज ए के पास है 100 रुपीज़ एंड बी के पास है से 75 रुपीज़, ठीक है। ए के पास 100 रुपये है, बी के पास 75 रुपये। तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि बी के पास कितने कम रुपए है ऐसे, तो आप बोलोगे 25 रुपये कम है, ठीक है, बी के पास 25 रुपये कम है ऐसे, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं परसेंटेज में कितने कम है, तो आप कैसे निकालोगे परसेंटेज, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 100 में 75 25, ओके, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ए से, तो अपॉन 100 × परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 मतलब 25% अमाउंट जो है बी के पास वो लेफ्ट ए से कम है, कितना 25% ए से कम है, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ है तो हम 100% मतलब अपना 100 ही मानते हैं, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 25% कम है, ओके। अभी इसको ही देखिए, 25% कम है, ठीक है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, ये हमने देखा ऑलरेडी, कितना 1/4, ठीक है। मतलब इसका जो मीनिंग हुआ कि ए के पास सपोज 4 है, ये आपका रुपीज़ नहीं है, ओके, ये आपका रुपीज़ नहीं है, ए के पास सपोज 4 है, ओके, तो बी के पास कितना है, 3 है, ये आपको समझा, क्योंकि हमने बोला 25% लेस अमाउंट है बी के पास, कम है, इसलिए मैंने जो ऊपर मेरा था न्यूमरेटर में उससे माइनस कर दिया, ठीक है। अगर मैं इधर बोलता कि बी के पास मोर है, ठीक है, सपोज बी के पास 125 रुपीज़ है, तो हम बोलते 25% मोर अमाउंट है, ठीक है, 25% मोर अमाउंट है, तब आप क्या बोलोगे कि अगर ए के पास 4 है, ओके, अगर ए के पास 4 है तो बी के पास क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये जो न्यूमरेटर वाला है ना सिनेरियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे सभी जगह, प्रॉफिट लॉस हो, SSEI हो, बहुत जगह हम यूज़ करने वाले हैं ये, ठीक है। तो इसलिए आपको इससे फैमिलियर होना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी इधर एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर ए के पास 100 रुपये है, ओके, तो मतलब ये 4 का जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, कितना है ये 25 टाइम्स, तो बी के पास कितना हुआ, 3, ओके, कम है। मैंने जस्ट आपको बोला है कि ए के पास 100 रुपये है एंड बी के पास 25% कम अमाउंट है ए से, ओके, अमाउंट निकालो किसका, बी का, तो कैसे निकालोगे, कम है मतलब -1, तो 3, और ये अगर 25 × 4 होता है तो इसको भी मैं 25 से करूँगा, तो 75, देखिए आ गया 75, ओके। तो इस तरीके से इसका यूज़ होने वाला है। तो हर जगह जब भी हम परसेंटेज का नंबर्स में और नंबर टू परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कन्वर्ट किया 20% का 1/5, ठीक है, तो अगर ज़्यादा हुआ तो हम प्लस करेंगे 5 में, ये अपना ओरिजिनल होगा और टोटल होगा, ओके, ये अपना ओरिजिनल होगा और टोटल होगा, और ये वैल्यू होगा जो वैल्यू होगा जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हम ए से कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो इधर सपोज ए का 5 वैल्यू है तो बी का 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 का वैल्यू कितना था, 100 रुपीज़, ये कितना है 20 टाइम्स, तो बी के पास कितना हो गया ज़्यादा, 120 रुपीज़, ओके, 20%। तो ये आपको चीज़ जो है बेसिक ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस किया। तो जाते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्या क्या वैरायटी हमें मिलती है परसेंटेज में, ओके। तो फर्स्ट आपको मिल रहा है क्वेश्चन इधर, अ विलेज लॉस 12% ऑफ इज गोट, ओके, इन अ फ्लड एंड 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीज, इफ द नंबर लेफ्ट नाउ इज 8360, वॉट वॉज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड, ठीक है। अब ये हिंदी में, एक मिनट, हिंदी में भी था ये,
रहेगा शायद से, ठीक है। तो जो हिंदी वाले उनके लिए कि एक विलेज में टोटल गोट्स थी 12%, ओके, एंड 5% रिमाइंडर वो भी डाइड हो गई। तो नंबर अभी बचा है 8360। तो अपने को जो ओरिजिनल थे, ओके, बिफोर फ्लड आने से पहले जो 12% गोट मर गई, तो वो क्या थे ओरिजिनल नंबर, अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, अभी सपोज जो ओरिजिनल नंबर था मेरा, ओके, इसको मानता हूँ मैं एक्स, इसको मानते हैं हम एक्स, ओके। तो अभी ये एक्स मेरा ओरिजिनल है, इसमें से 12% गोट जो है फ्लड में गई, ठीक है, बह गई। तो 12% गई मतलब बची कितने अभी, 88%, ठीक है। इसमें से ही 5% रिमाइंडर, जो 5% बची थी इसमें से ही मर गई वो, ठीक है। इसमें से 5% रिमाइंडर थी वो मर गई, मतलब कितने बचे अभी, 95%, ठीक है। और ये बची हुई जो है, ये बचा हुआ जो अमाउंट है वो मुझे दिया है 8360 इस तरीके से, ठीक है। तो जस्ट अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 88% मतलब आपको पता है क्या होता है, 88/100 इंटू 95/100, तो ये मेरा होता है 8360, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इधर 88 है, तो इधर देख चेक करता हूँ जस्ट 11 से होता है कि नहीं, तो यस 11 से हो रहा है, देखिए 11 7, ठीक है, और बाद में फिर 66, तो 760 हो गया, और ये 11 8, ओके, ये हो गया। बाद में इधर देखिए 95 है, ये 760 है, तो 19 से मैं कर सकता हूँ, तो 19 5 एंड 19 ये 4 है, ठीक है, 19 4 एंड ये एक 0 इधर बचा, और ये मेरा 8 इधर है, तो ये 8 5 8 5 40, ओके। एंड देन इधर कितना है मेरा, देखिए अभी ये 5 है, तो ये 5 के 5 गया 1, ठीक है। और ये जो नीचे मेरे है 00 00 मतलब 40, तो वो उधर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, मतलब x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा 10,000, कितना 10,000, ओके। अभी इसमें इस तरीके से आप अप्रोच करोगे, ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ओके, स्कूल में 1500 बच्चे टोटल, ठीक है, उसमें से 44% क्या है, गर्ल्स है। मंथली फी हर एक बॉयज़ का, ओके, हर एक का दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बोला हूँ मैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में एक एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो हर एक बॉय का, जितने भी 1500 में बॉय है, उनका जो स्कूल फी है वो 540 है, और गर्ल का जो फी है उन्होंने परसेंटेज दिया है, आपको नहीं दिया है, 25% लेस है, जितना भी बॉयज़ का फी है उससे 25% कम है, ठीक है। तो अपने को निकालना है बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल फीस कितना है, ओके। अभी देखिए, फर्स्ट थिंग अपने को निकालना पड़ेगा, अगर बॉयज़ का जो फी है वो 540 है, तो गर्ल्स का 25% लेस है, ओके। अभी देखिए, लेस दिया है मतलब क्या है, 25% मतलब क्या होता है, फर्स्ट 1/4, ओके, लेस मतलब माइनस करेंगे, मतलब अगर बॉयज़ का जो फी है वो 4 है, तो गर्ल्स का कितना होने वाला है, 3, और ये 4 मुझे दिया है वैल्यू इसका 540, कितने टाइम से देखिए मल्टीप्लाई करके कैसे होता है, तो 4 1 1, ओके, 4 3 12, एंड बाद में फिर से बचा अपना 2, तो 25, 4 5, ठीक है। तो इधर भी मुझे 135 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15, ये आपका 3 9 10, और ये होगा 3 4, ठीक है। तो बॉयज़ का, हर एक बॉयज़ का फ़ी 540 है, और हर एक गर्ल्स का जो फी है वो 405 है, ठीक है, एक स्टेप तब तक ये हो गया, ओके। नेक्स्ट मुझे दिया है 44% गर्ल्स है, अभी 1500 में, ओके, ऑब्वियसली मेरा 100% है, तो इसमें से 44% जो गर्ल्स है, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग होंगे, क्योंकि ये आपका क्या होता है 100% ऑलरेडी, ठीक है, तो जो रिमेनिंग होंगे मतलब कितना रिमेनिंग, 56% वो क्या है, बॉयज़ है, ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट नंबर निकालना पड़ेगा अपने को क्या है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, कोई भी एक निकालो, ओके, 44 को प्रेफर करूँगा मैं, तो 50 100 × 44, ठीक है, ये 2 0 गया, ये मेरा इधर कितना बचा देखे, ओके, तो ये मेरा बचा 660, मतलब जो टोटल गर्ल्स है, जो टोटल गर्ल्स है वो है 660, ठीक है, इधर लिख देते हैं हम, तो गर्ल्स का टोटल काउंट जो है वो 660 है, एंड जो बाकी बचे 1500 में से अभी 660 माइनस कर दो, बाकी बचे देखे कैसे करोगे, 40 मैंने ऐड किया इसमें, तो 700 हो गया, ओके, और 700 से अपने को जाना है 15 पे, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 7 14, मतलब 8 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 840, ठीक है। तो मतलब 660 इंटू गर्ल्स का अमाउंट प्लस 840 इंटू बॉयज़ का अमाउंट, ये अपना रहेगा टोटल, जो अपने को पूछा है सम ऑफ फीस, ओके, टोटल फीस का क्या है, तो ये अपने पूछा है, तो अभी देखते हैं इसको भी, देखिए, ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी कि आप कैसे करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपका गर्ल्स का है 660, और इधर अभी इधर मिस्टेक हो सकता है, गर्ल्स का 660 है, तो इधर आप बॉयज़ मत लिखो, इसलिए प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ो कि 40% गर्ल्स है, ठीक है, तो 660 होता,
कितना फीस देना है गर्ल्स को 405, और बॉयज़ का फ़ी कितना है 840। बॉयज़ का फ़ी जो है वो 540 है। ओके अभी इसमें देखिए कैसे कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट अगर मैं प्रॉपरली देखूँ तो पाँच जो है इधर से भी मैं पाँच निकाल सकता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, और इधर से भी मैं पाँच निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पाँच को बाहर निकालते हैं फिर से। तो क्या बचा अभी, एक को ही सिंप्लीफाई करो किसी को, तो इधर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 660 इंटू ये 81, ठीक है, प्लस इधर से इसको इसको लेते हैं। ठीक है, तो 840 इंटू कितना बचा ये 108। ओके 540 आएगा फिर। अभी इसमें से भी प्रॉपर लगा देखो मैं, तो इधर से 9 निकल रहा है, इधर से भी 9 निकल रहा है, तो 9 को भी निकालो बाहर, तो ये मेरा हो गया फिर से 45। और अभी मेरे पास अंदर बचता है 660 इंटू 9 प्लस 840 इंटू 9 1 9 2 2, ठीक है 12। और अभी इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ आराम से क्योंकि ये अपना ईजी हो गया अभी कैलकुलेशन। तो जस्ट अभी इधर सॉल्व करते हैं और देखते क्या आता है आंसर। तो 9 मेरा आ गया 5940। ओके इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू जो है इधर आ गया कितना 100। ठीक है, तो ये 100 हो गया इस तरीके से। तो मतलब अभी इधर मेरा टोटल कितना आ रहा है 159। ओके और जस्ट इसको ऐड कर देते हैं 180 प्लस 5940 मतलब 0, ये मेरा 12 10 6 1। ठीक है, तो 16020 अपना आ गया अभी तक, और इसको अभी अपने को मल्टीप्लाई करना है सिंपली 45 से। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें 45 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको। तो अगेन अभी क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो 59 में। ठीक है, तो 5 इंटू 9 में आप डिवाइड कर सकते हो, तो 50। ओके देन अगेन 5 2 10, देन अगेन 80 आ गया, और 80 से अभी 9 करेंगे तो 9 8 72, तो 72 सब जगह ही है। ओके तो करना ही पड़ेगा, तो 009072, तो आंसर मेरा है सी। ओके आंसर मेरा सी है। तो कभी कभी कैलकुलेशन इतना हो सकता है। ओके और आपको ये मतलब अभी लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आपका स्पीड बढ़ता है वो आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इसमें और एक टेक्निक है। ओके और एक टेक्निक है, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मतलब अगर मैक्सिमम टाइम अभी कैसे है, पहले जो है क्वेश्चन फ्रेम होते थे वो टेक्निक हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी के क्वेश्चन वो भी स्मार्ट हो गए हैं जो पेपर जो आपका फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सम, डिजिटल सम। ओके तो ये जैसे आपको बता के रखता हूँ मैं, लेकिन इंप्लीमेंट मत करो क्योंकि जिस कैलकुलेशन फोकस करो, आपका कैलकुलेशन का जितना स्पीड बढ़ेगा उतना ही आपको बेटर होगा। ठीक है, तो अभी अपने पास क्या था, आई गेस 660 था ना, हाँ 660 इंटू कितना फीस देना है कल को 405 था, एंड आपका जो ये था बचा हुआ 840 मेरा बच्चा था, उनको फी देना था 540। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे देखिए, डिटेल सब में इसमें जैसे आपको ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी ऐड करता हूँ इधर, तो ये 12 हो गया। ओके 12 हो गया 6 6 12, तो ये 12 हो गया, इसको भी फिर से ऐड करो, तो मेरा बचा 3। ओके तो 6 प्लस 6 प्लस 0 करेंगे तो बचा मेरा 3। ठीक है, इंटू इधर मेरा 9 बचा, 5 प्लस 4 9। ठीक है, अभी 9 इंटू 3 कितना हो रहा है 27 को फिर से ऐड, मतलब डिजिट को ऐड कर रहे हैं हम। ओके डिजिट ऐड कर रहे हैं, तो 2 प्लस 27 9 होता है, तो इधर से मुझे 9 आया। ठीक है, प्लस इधर देखिए 8 4 12। ठीक है, 12 में 1 प्लस 2 3 करेंगे, इधर 5 4 9। ठीक है, अगेन 9 होगा मेरा, तो इधर फिर से 27 एंड फिर से 9। ठीक है, तो 9 प्लस 9 मेरा क्या होगा 18 होगा, और 18 में भी हम ऐड करेंगे फिर से 9। अभी ये 9 इधर आ रहा है मेरा आंसर, तो मुझे जस्ट चेक करना है ऑप्शन में किधर मेरा 9 आ रहा है। तो देखिए ये 7 प्लस 2 9 होता है, लेकिन ये 6 है। ओके ये तो नहीं हो सकता, 7 प्लस 2 9 है, ठीक है 8 है, नहीं हो सकता, 7 प्लस 2 9 है। ओके लेकिन ये भी 9 है क्योंकि पूरा डिविजिबल चाहिए 9 से। ठीक है, डिविजिबल चाहिए 9 से, एंड 7 प्लस 2 9 10, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब आंसर जो आपका ये सिर्फ सी है। ठीक है, ये सिर्फ सी है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके रह सकते हैं जिधर आपका 9 मतलब हो। ठीक है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता, भले ये स्पीड है ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन अगर आपका 2-3 हो 9 तो फिर से आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ओके मतलब इधर टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, स्पीड अच्छा बढ़ाओ उसमें, और कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करो एग्जाम्पल। ठीक है, ओके अभी देखते हैं नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन आपका, इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज इनकम। ओके बी इज 20% मोर देन ए, देन हाउ मच परसेंटेज सीज इनकम मोर देन ए, किससे कंपेयर कर रहे हैं ए से। ठीक है, तो फर्स्ट अभी देखते हैं क्या होता है, बी और सी का पहले देखते हैं रिलेशन क्या है। ठीक है, इनकम सी का है 20% ज़्यादा है, मतलब 20% मतलब कितना हुआ 1/4 1/5। ठीक है, तो अगर बी का इनकम 5 है तो ज़्यादा दिया है, मोर दिया है ना ज़्यादा, तो सी का कितना होने वाला है मेरा 6 होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट है बी का 25% ज़्यादा है किससे, ए से। तो अगर बी का 25% मतलब कितना, 1/4, तो बी का अगर 4 है, ठीक है, बी का अगर इनकम 4 है तो ए का कितना होने वाला है, इनकम ऑफ बी 25% मोर देन ए, सॉरी सॉरी तो बच्चे ये है ना ज़्यादा है, तो मतलब ए का 4 है, ठीक है, क्योंकि बी का ज़्यादा है ना, तो ए का 4 है 1/4 में से, तो बी का कितने होने वाला है, +1 मतलब 5 होने वाला है, ठीक है। अभी ए बी सी अपने को तीनों को कंपेयर करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बी एंड सी में बी कॉमन है, ए और बी में बी कॉमन है, ठीक है, तो ये बी दोनों में कॉमन है, तो इसको हमें सिमिलर करना है। तो स्टेप क्या रहेगा कि मुझे चेक करना है बी का वैल्यू क्या है, तो इधर 5 है इधर 5 है, ओके सेम वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो अपने को करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे वो कैसे करते हैं जब भी ऐसा एग्जांपल आता है। तो जस्ट मैं इधर लिखूंगा ए का कितना है 4, बी का 5, सी का 6, किससे कंपेयर कर रहे हैं, हाउ मच परसेंटेज सीज इनकम मोर देन ए, मतलब सी का इनकम कितना, भी इधर भी देख रहे हैं मुझे कि ए का सपोज 4 है तो सी का 6 है, ओके सी का ज़्यादा ही दिख रहा है ना, तो कितने से ज़्यादा है वो 2 से, ओके कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, ए से, इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये मेरा हो गया 50%, ठीक है। तो सी का जो इनकम है ए से 50% ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 50%। अगर मुझे पूछते हैं कि ए का इनकम कितना कम है सी से, ओके देखो जस्ट थोड़ा मैंने फ्रेम कर दिया तो कितना चेंज होता है आंसर, तो ए का इनकम कितना है सी से कम, ओके इधर दिख रहा है मुझे 4 है, सी का 6 है, तो कितना है 2, अभी कंपेयर कर रहे हैं सी से मतलब 6, तो ये मेरा हो गया 33.33%। आप आई होप आपको पता होगा वैल्यू 1/3 का, ठीक है, इंटू 100, 33.33%, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ भी दे सकते हैं फ्रेम करके, प्रॉपरली पढ़ना है एंड जस्ट आंसर निकाल देना है, ओके अभी रेड में है मतलब कुछ तो है इधर कंसेप्ट, तो देखते हैं क्या इधर से मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सपोज अभी आपका सैलरी, आपको DFSSL में जॉब लग गया है, ठीक है, आपका सैलरी आ गया, तो इसको मैं बोलता हूँ इनकम, ठीक है, इनकम बोलते हैं इसको, कि जो भी आपका सैलरी है सपोज 60-70,000 आपका आ गया, तो अभी आप इस सैलरी का क्या करोगे, अभी आप इस सैलरी का क्या करोगे, एक तो इसमें से कुछ पैसा आप डेफिनेटली खर्च करोगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंस, खर्च, राइट, हाउस रेंट देना पड़ेगा या किधर जाना पड़ेगा ट्रैवल में, खर्च होता है, ठीक है, और जो भी बचेगा, ओके सपोज महीने की आखिरी तारीख को आपके बचे सपोज 1,000 रुपये, तो वो आपकी क्या होगी, सेविंग होगी, ठीक है, और आप सेव करके रखोगे कि चलो सेव करके बाजू में रखते हैं इसको, ठीक है, तो ये मेरा सेविंग है, मतलब जो भी आपका इनकम आपके पास आ रहा है आइदर उसको आप सेव करते हो एंड एक्सपेंस मतलब खर्च करते हो, ओके दोनों में से एक काम करोगे, दूसरा इससे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे ही अपना बेसिक एक ये बन गया रिलेशन कि इनकम मेरा क्या होता है, जो भी मेरा खर्चा है और जो सेविंग है उनका एडिशन होता है, ठीक है। तो अभी सेम हम अप्लाई करेंगे इधर देखिए, ओके सबसे पहले ये जो है इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरीके से है 62%, ठीक है। अभी इसका वैल्यू क्या रहता है देखिए, अभी आपको पता है कि 1/3% अगर मैं बोलूँ तो ये आपका कितना होता है 33% होता है, ठीक है, इसको मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 33.33% होता है, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इधर 2 से तो कितना होगा मेरा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, हमने देखा है पहले क्लास में फ्राइडे को, 66.60 होगा, ठीक है, 66.60 होने वाला है। अभी इधर देखो, अभी इधर इसको आप अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 6 3 8 9 +2/3%, ठीक है, मतलब कितना हुआ 200/3, ठीक है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, तो ये डिवाइड बाय 100, तो ये मेरा हो गया 2/3, ओके देखिए, तो मतलब ये वैल्यू जो है मेरा डायरेक्टली मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने के बाद 2/3 आएगा, तो जब भी आपको 66 2/3 दिखे तो आपको 2/3 लिखना है, ठीक है, जब भी आपको 33 1/3 दिखे तो आप क्या लिखोगे 1/3 लिखोगे, ठीक है, 1/3 लिखोने वाले हो, तो ये मेरा हो गया 2/3, ओके फर्स्ट पॉइंट 2/3, ठीक है। अभी अ पर्सन हु स्पेंड्स, ओके 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 per month, हिज मंथली एक्सपेंस, मंथली खर्चा उसका कितना है, ठीक है। अभी देखिए, तो 2/3 वो क्या कर रहा है, इनकम का सेव कर रहा है, ठीक है, मतलब टोटल, सॉरी स्पेंड ना, हु स्पेंड 60, ओके तो ये स्पेंड कर रहा है वो, मतलब ये एक्सपेंस है, मतलब टोटल मेरा, हमेशा बोला मैं नीचे वाला टोटल रहेगा, तो टोटल 3 जो है
इफ मेरा 3 इनकम है, ओके तो 2 जो है मेरा क्या है, एक्सपेंस है, मैं खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, हु स्पेंड्स, तो ये मेरा एक्सपेंस है। तो अभी सोचिए जस्ट कि इनकम मेरा 3 है, उसमें से 2 मैं खर्च कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 1 जो है वो क्या है, सेविंग, यही हमने देखा अभी, ठीक है, आइधर हम सेव करेंगे और खर्च करेंगे। तो ये जो 3 है इसका वैल्यू मुझे दिया है, नहीं दिया है, जस्ट मुझे दिया है इज़ एबल टू सेव 1200, ठीक है, मतलब ये 1 है, इसका जो वैल्यू मुझे दिया है 1200 रुपये दिया है, मतलब ये कितने टाइम से 1200 रुपये, तो ये एक्सपेंस को भी हम करेंगे मल्टीप्लाई 1200 से, तो मेरा हो गया 2400, एंड टोटल सैलरी को और इनकम को भी 1200 से मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा 3600, मतलब मेरा जो सैलरी है वो 3600 है, उसमें से मैं 2400 खर्च कर रहा हूँ, जो मेरा आंसर है, ओके, और 1200 रुपये सेव कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, ईजी है, जस्ट ये कंसेप्ट को समझो, बाकी आराम से फिर हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 20% एंटरटेनमेंट, 10% ऑफ कन्वेंस, ठीक है, इफ हर सेविंग्स एट द एंड ऑफ मंथ आर 1500, देन द सैलरी पर मंथ। ओके, यही हम करते हैं, जैसे सैलरी आता है हम स्पेंड कर देते हैं और थोड़ा बहुत अपना बचता है, ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है। अभी इधर सेविंग मुझे दिया है रुपीज़ में, और स्पेंडिंग दिया है मतलब खर्च दिया है मुझे परसेंटेज में, ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो टोटल मेरा एक्सपेंस कितना है, 40 + 20 + 10, ओके 70 + 10 = 80% मेरा क्या है टोटल एक्सपेंस, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मेरा इनकम 100% रहेगा, क्योंकि हम परसेंटेज में 100 मानते हैं टोटल को, ओके तो सेविंग कितना रहेगा 20%, ओके और ये 20% का वैल्यू मुझे दिया है 1500 रुपीज़, ठीक है, तो ये कितना, अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जस्ट थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, अगर ये 20% का वैल्यू मुझे दिया है 1500, ओके तो मुझे निकालना है सैलरी पर मंथ मतलब टोटल इनकम, इनकम कितना होता है आपका 100%, ठीक है, तो अभी देखिए, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा है इधर जब भी आपका दिख रहा है कि मल्टीपल्स है, जैसे कि 20 में मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 मिलता है, तो सिंपल इधर भी कर दो 7500 आपका आंसर हो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो इससे भी कर सकते हो, हम करते हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन ये मुझे ये सिंपल दिख रहा है तो इसलिए मैं हम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे अगर ये निकालना है, एक्सपेंस निकालना है 80% का, तो कैसे निकालूंगा मैं, इधर भी मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 24 से 80 होता है ना, तो इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा एक्सपेंस होगा 6000, 15 × 60, ठीक है, तो 6000 इस तरीके से आप करोगे तो आपको अभी देखिए 6000 में दिया है आंसर में और 7500 भी दिया है, तो अलर्ट रहना है, इनकम पूछा है, इनकम मेरा 7500 होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकम के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है डीएफसी सेल में, ओके अगर परसेंटेज से पूछा तो ये क्वेश्चन तो आपका रहेगा, ओके। अभी ये टाइप देखो इसमें क्या है, ओके जब भी आपको 2% दिया है और आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालना है, मतलब दोनों परसेंटेज के बाद कितना परसेंट आता है, ओके ये निकालना है, तो एक फॉर्मूला अपना होता है, उसको बोलते हैं सक्सेशन, ठीक है, सक्सेशन फॉर्मूला, जैसे कि x%+y%, ये प्लस माइनस हो सकता है, परसेंटेज प्लस माइनस x/y/100, ओके इसको याद रखना है आपको। अभी देखिए कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं इधर, द सैलरी ऑफ पर्सन डिक्रीज बाय 25%, ठीक है, तो 25% सैलरी डिक्रीज हुआ, देन द डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज बाय, अगेन जो कम हो तो सैलरी वो फिर से बढ़ गया, ठीक है, कितना 25%। अभी न्यू सैलरी कितना है ओरिजिनल सैलरी से, ठीक है, ओरिजिनल सैलरी से न्यू सैलरी कितना है, देखिए सेम है, 6.25% मोर है, 6.25% लेस है, 0.625% लेस है, ठीक है। अभी इसको कैसे करेंगे, तो 25% है, तो देखिए अभी डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा माइनस, तो -25%, नेक्स्ट जो है मेरा वो इंक्रीज हुआ है मतलब बड़ा है, तो +25%, सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया जस्ट, ओके। अभी इधर प्लस माइनस लेना है, कैसे लेके निकालेंगे, क्योंकि हम आपने क्या किया था इधर x इंटू वाई किया था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया था, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, और माइनस और प्लस जब ये मल्टीप्लाई होगा तब आपको मिलेगा माइनस साइन, ठीक है, तो -25 × 25/100। अभी देखिए ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, बचा इतना क्या मेरा बचा इधर 6.25, ठीक है 6.25 मेरा बचा इधर, तो मुझे दिख रहा है अभी निगेटिव साइन मतलब लेस है, ओके निगेटिव साइन मतलब लेस है, तो मेरा जो आंसर हुआ वो हुआ सी 6.25 लेस, ठीक है 6.25 लेस, इस तरीके से आपको करना है। दूसरा वे भी है इसमें, दूसरा वे कैसे है देखिए, 25% है, ठीक है, तो डिक्रीज हुआ मतलब क्या 20% क्या रहता है 1/4, तो पहले अगर मेरा 4 था तो अभी मेरा हुआ 3, ओके और बाद में इंक्रीज हुआ है,
तो पहले अगर मेरा 4 था, अभी मेरा हो गया 5, ठीक है, प्लस माइनस। तो मतलब टोटल मेरा कितना था पहले, 16 था, 4 × 4 = 16, और अभी मेरा हो गया है 15, ठीक है। तो कितना कम है, 1, ओके। पहले से कंपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली, देखिए ओरिजिनल सैलरी मेरा 16 है, तो 1/16 × 100, ठीक है। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली 6.25 मिलेगा। और कम कैसे है, लेस मोर में, मतलब इधर देख सकते हो, पहले मेरा 16 था, अभी 15 है, तो कम है, मतलब लेस है, ठीक है। मतलब मोर वाले ऑप्शन सभी गए, ये भी गया, अभी इसमें से आंसर है, तो जस्ट निकालो तो आपका यही बचेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, दो वेज है अपने पास, ओके, सॉल्व करने के लिए, जो आपको पसंद है वो यूज़ करो, एक तो ये, नहीं तो ये, ओके। ओके, सेवन क्वेश्चन देखिए। अ मैन स्पेंट 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड इज इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 15%, ओके, हिज सेविंग विल बी देन इंक्रीज बाय, ओके। अच्छे समझिए क्या है कि स्पेंडिंग जो है, खर्चा कितना है, 75% कर रहा है वो, ओके। अभी उसका क्या है, सैलरी बढ़ा, ओके, इनकम बढ़ा, सपोज एक साल हो गया उसको, इनकम बढ़ा 20% बढ़ा, तो उसने क्या किया, जैसे अपना इनकम बढ़ता है खर्चे भी बढ़ते हैं, ओके, प्रैक्टिकल है ये, मतलब ऐसा ही होता है हर बार, तो उसका 15% खर्चा बढ़ गया, ओके। अभी सेविंग जो है वो कितना है, कितने से बढ़ा सेविंग, वो हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए बेसिक अपने को पता है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ओके। इनकम हमेशा मेरा क्या होगा, 100 होगा, ओके, 100% होगा। एक्सपेंडिचर कितना है मेरा, 75% स्पेंड कर रहा है, मतलब वे 75% खर्चा कर रहा है वो, तो ऑब्वियसली अगर 100 में से 75 खर्चा कर रहा है तो बचेगा कितना, 25, ओके, इधर तक आ गए। अभी क्या हुआ, सैलरी इंक्रीज हुआ कितना, 20% से, ठीक है। तो मतलब 100 का अगर मैं 20% निकालूं तो 120 होने वाला है वो, ओके, 20/100 × 100 = 120 हो गया, सैलरी बढ़ गया, पहले 100 रुपये था, अभी 120 हो गया, ठीक है। अभी उधर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर उसने 15% से बढ़ा दिया, तो 75 × 15 × 100, ओके, मतलब ये कितना होगा, 3/20 हो गया, ठीक है। तो 3/20 हो गया, और इधर इसको अगर सॉल्व करना है अपने को, तो 75 का 3 टाइम्स, मतलब 225, ओके, अपॉन 20, तो ये इसको अगर फिर से सॉल्व करेंगे तो 21 जा, और फिर से 25 बचा, तो 21 जा, ओके, पॉइंट ले लिया, तो 22 जा 40, ठीक है, 10 बचा एंड 5, ओके, 11.25, ठीक है, 11.25। और जस्ट क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 75 × 85 × 100 ऐसे भी आप कर सकते हो, ओके। अभी इधर क्या करना पड़ेगा मुझे, 11.25 इसमें ऐड करना पड़ेगा, इधर आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा जो भी होगा, ओके, ये डिफरेंस है। तो 75 में अगर मैं 11.25 ऐड करता हूँ तो मेरा खर्चा कितना बढ़ा है, पहले 75 था, अभी 11.25 बढ़ा, मतलब कितना अभी खर्चा कर रहा है वो, 86.25, ओके, प्लस अभी 120 में से 86.25 खर्चा हो रहा है, तो सेविंग कितना होगा अपने को निकालना है। तो देखिए ये 0.25 है, तो इसको मैं 0.75 कर देता हूँ इधर, ठीक है, प्लस कितना बचा अभी, इधर 87 हो जाएगा, अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो 87 हो जाएगा, 87 से 100 13, और ये कितना जाना है अपने को, 20, मतलब 23, मतलब ये हो गया मेरा 23.75, ठीक है। अभी क्या दिया है नेक्स्ट, सॉरी ये 33 हो, ठीक है, 13 और 20 33, तो 33.75 मुझे दिया है, सेविंग विल बी इंक्रीज बाय कितना परसेंटेज, ओके। तो कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल से, कितना बढ़ा है देख सकते हैं हम, 25 से 33.75 गया है, मतलब 5 और ये 3 8, तो 8.75 बढ़ा है, ओके, किस से, 25 से इंटू 100, तो ये हो गया मेरा 4 टाइम्स, ओके। अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के समय, ओके, माइंड में अपने को करना है, इसको सेपरेट करना है आपको, एक तो 8 होगा और एक 75 होगा, 0.75, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 75 का डबल रहता है 150 का डबल रहता है 300, ठीक है, तो 300 और 2 डेसिमल है डिजिट, मतलब इधर बचेगा आपका 3, 8 × 4 कितना होता है, 32, मतलब 32 + 3, क्योंकि ये प्लस है ना, 8 + 0.75 8.75 हुआ, तो 32 + 3 मेरा होगा 35%, तो 35% जो है सेविंग मेरा बढ़ा है, ओके, 35% सेविंग मेरा बढ़ा है, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको करना है, तो इनकम में ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपको, ठीक है, प्रॉपरली, तो देख लो, ओके, अप्रोच प्रॉपरली देख लो। तो हम रुकते हैं अभी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का, तो मिलते हैं अभी 2 बजे, तब तक प्रॉपर रिवाइज करो, ओके, 7 क्वेश्चन और पहले के भी, और इसमें से ही आपको गारंटी टाइप आएगा, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन, जो आपको इम्प्रूव करना है, तो इस पर अच्छे से वर्क करते रहो, ठीक है, वर्क करते रहो, ऑल द बेस्ट।